अच्छा व्यू है ना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया होटल मिल गई है और बहुत बढ़िया व्यू। मैंने ये अजमेर में कभी इस तरह का व्यू देखा नहीं होटल में, बहुत ज़बरदस्त होटल है। सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होगी। आज मेरा बर्थडे है। एनीवेज ये वीडियो आज मैं आपको पूरा अजमेर बताऊँगा आपको, स्टार्टिंग विद माई होटल टूर, देन मैं आपको बताऊँगा अजमेर दरगाह की ज़्यारत बताऊँगा। उसका बच्चे अभी सोए, मैं और सदर उठ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी नींद हुई। कल मैं बहुत थक गया था, बहुत 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 थक गया था ड्राइविंग कर करके होटल रूम ढूंढ के, इसलिए फाइनली उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई नॉर्मल होटल से चल लीजर लिया जाए, अच्छी होटल लिया जाए, यहाँ पे स्टे भी अच्छा हो, दिल भी खुश हो, मन भी खुश हो और आप लोग भी खुश हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कार भी खड़ी है यहीं पर, पब्लिक बहुत कम है होटल में, पार्किंग के लिए अलग से उन्होंने जगह बनाया है, कभी फुल रहता तो दिखाने के लिए बहुत कुछ। आप देखो सामने वो लाल लाल दिख रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कितनी चीज़ें तो मुझे मालूम भी नहीं है यार, क्या मैं आपको बताऊँ, आप खाली देखो मज़े लो नज़ारे के। देखो एक हाँ, तो ये वाला जो है ना, ये अन्नासागर हाँ, अन्नासागर गार्डन है जो कल हम लोग गए थे शाम में, पूरा कवर नहीं कर पाए थे। दूसरी साइड भी है, ये तो बालकनी का व्यू है हमारे रूम के, बालकनी का व्यू और होटल के दूसरी साइड का व्यू भी दिखा। वो भी दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ, लॉन दिया हुआ यूज़ करने के लिए, जहाँ पर पूल है और स्विमिंग पूल है। और सो गाइस मुझे बर्थडे विश करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत सारे विशेज़ मिले हैं और ये बार बहुत लोगों के, अलग अलग लोगों के विशेज मिले जिनको मैं जानता नहीं था पहले, ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत जगह पे DMs और मैसेजेस आए हुए हैं, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू, आपको भी थैंक यू और आप सभी को थैंक यू। मुझे बारिश जैसा लग रहा है, उठ चुका है और मॉर्निंग व्यू एंजॉय कर रहा है, कब्बू देख रहा है कैसे उड़ता है, ऐसे उड़ता है कब्बू ऐसे होता है, पिजन ऐसे ऐसे उड़ा रहा है। अरे अरे मेरा गुड्डू, गुड मॉर्निंग, मेरा बीबी तोले तोले चिड़िनी में है का। हाँ मैं हो गया हूँ रेडी नहा धो के, आदि हो गया रेडी, सदफ और अभी जीबा रेडी हो रहे हैं। मैं सदफ का लहंगा इस्त्री कर रहा हूँ, बहुत लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि ये सब चीज़ें सिर्फ औरतें करनी चाहिए उनका काम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर अ फैमिली, वो हमको हेल्प करती है, हम उनको हेल्प करते हैं, हम बच्चों को हेल्प करते हैं, वो कभी बच्चों को हेल्प करती है, कभी बच्चों को तैयार करती है, कभी हम तैयार करते हैं, सो एवरीथिंग इज फेयर इन अ रिलेशनशिप। जब वो इस्त्री करती है तो आपको कितना अच्छा लगता है, उसी तरह से इट इज वेरी ओके, खाना बना के दे रही है, वो सब करके दे रही है। कभी कभार हम जब छुट्टी पे होते हैं तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, और चाहे आप डेली करो या चाहे कभी भी करो, किसी से शर्म मत रखो करने में, ये सब चीजें बिंदास करो घर का, मैं सिर्फ इसी का नहीं कर रहा, अपना भी किया हो, बच्चों का भी कर रहा हो अभी, सो इट्स ओके। औरत की इज्जत की जाती ना अगर, तो आपको समझ में आती है अगर कि क्या चीज होती है ये सब चीजें, अपने घर की औरतों की इज्जत करो, ठीक है। सब हो गए रेडी, नाश्ते के लिए जा रहे हैं हम लोग अभी नीचे, रूम में पूरा मैस पड़ा हुआ है तो रूम में क्या नाश्ता करेंगे और रूम का कितना दिखाएंगे, नीचे चल के देखते हैं रेस्टोरेंट में क्या है। चलती है क्या 9 से 12? समझना मुझको ऐसा पैसा, मेरे बटवे में है पैसा, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक। कौन करेगा पूरा रिदम ही अलग हो गया तो हाँ माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज, ट्रेडिशनल वेयर है, पहने इन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस और मैंने पहना नॉर्मल सा टी शर्ट सा पहना हूँ, मेरे पास लाया कुर्ता पजामा, लेकिन एक ही कुर्ता पजामा लाया तो मैं फ्राइडे को पहनूंगा इंशाल्लाह, वो फ्राइडे को पहनूंगा वो इंशाल्लाह। इबाने देखो क्या पहनी प्यारे पर आज, सर ना खाना इधर रेस्टोरेंट इधर है, चलो फिर नीचे चला जाए, चलो हेरिटेज प्रॉपर्टी का यही सीन रहता है भाई, पुरानी प्रॉपर्टी रहती है ना तो कुछ ना कुछ बचते रहता, आवाज आता रहती धाड़ धूड़ ऐसा लग रहा था हर 10 मिनट्स या 7 मिनट्स, और मैं भी धाड़ धाड़ बज रहा था।
तीन मरतबा गया था कार के पास कुछ चीजें लेने के लिए, तो बाहर की भी लाइट उन्होंने बंद करके रखी थी, एकदम एकदम सन्नाटा अंधेरा डरावना। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया है। हां चलो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर ले। चलो हादी भाई का स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा, अभी तक ताला ही लग रहा है। कब से लेट करता है लेट कितना लेट करता लड़का। अभी नीचे शूज पहन लेना, हटा देना चप्पल, ठीक है। फाइनली जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, पूछना पड़ेगा रेस्टोरेंट का। हाँ रेस्टोरेंट का है। नमस्कार, क्या हाल है सर? रेस्टोरेंट सामने सर, दरगाह के लिए विजिट करना हो तो हमें खादिम की कॉम्प्लीमेंट्री व्यवस्था है, यहाँ से VVIP लाइन में लगनी जुड़ती है, VVIP आपको दर्शन करा देगा। वहाँ का जो मेन पुजारी है वो अपने यहाँ का है। खादिम आपका पुजारी आपके दोस्त है? ये होटल से कॉम्प्लीमेंट्री है और VVIP दर्शन होगा, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खादिम लोग आपको मालूम ही है ना, हाँ हम खुद कर लेंगे। हिबा कहाँ है? इतना शांत क्यों, सन्नाटा क्यों है? बस एक ही फॉर्म है फैमिली देखो ब्रेकफास्ट की, बाहर बैठोगे उजाले में। हाँ संभाल क्या बेटा, चलो आप बाहर के बाद में आएंगे, चलो नाश्ता अंदर कर लेंगे। इधर नाश्ता करना है हादी को, ब्रेकफास्ट में भी गोला खट्टा खाना, काला खट्टा गोला लेट हो गया, सुबह 8 बजे का ना नाश्ता, थोड़ा अच्छा होता, सुबह आया था तो अच्छा था मौसम, 10 o'clock हो गया। हादी को यहाँ पे बहुत धूप लग रही है, गोला खट्टा पटका हुआ है, यहाँ नहीं मिलता मेरा गोला खट्टा लेक के पास मिलता है, लेक के पास मतलब करे। लेकिन हम लोग फिर भी बाहर आके बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर भी गर्मी हो रही है, एसी अभी जस्ट चालू किया तो बाहर ही बैठा जाए, थोड़ा गर्म बाहर है लेकिन ठंडा भी है, मिक्स मौसम है। बच्चे लोगों को आँख नहीं खुल रही धूप की वजह से, लेकिन अंदर तो हमेशा बैठ के खाते ही बंद कमरे में, खुला व्यू देखे ना, व्यू के साथ में खाया जाए। हाँ बेटा ब्रेकफास्ट आ गया है, छोले हैं, आलू का पराठा है, दही है, शादी को मिलती है कोल्ड कॉफ़ी। हाँ दी खुश कि वो क्या मिला, स्ट्रॉबेरी क्या लगा स्पेशल यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं इसलिए ना, इसलिए लोग बुफे नहीं रखे हैं। एग्जैक्टली उसने मुझे फ़ोन पे बोल दिया था, अला कार्ट सिस्टम है क्योंकि क्राउड नहीं है ज़्यादा, क्राउड होता तो बुफे होता तो मज़ा आती थी। हाँ ये भी कहाँ खा पा रहे, बुफे तो छोड़ अपने बच्चे, अरे मेरे बच्चे इतने पैसे दिया मैंने, वसूल तो करो ब्रेकफास्ट खा के देखो, नहीं खाते हो देखो, कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं। ये आने सागर लेक दिख रही है, मस्त व्यू है, दिखता है ना। हम तुम्हारे कपड़े चेंज करके आएंगे, ओके देन है ना, होटल टूर लेंगे हम लोगों को। खादिम जो है और पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, खादिम फैसिलिटी और ज़ियारत फैसिलिटी हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री मिला है इस होटल से, जिस होटल में हम लोग रह रहे हैं मरवारा एस्टेट करके इसका नाम है। तो हम लोगों का पिकअप 3:30 बजे का पिकअप है, ऑटो रिक्शा है वहाँ पर, कार पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है इसलिए ऑटो रिक्शा भिजवाया है खादिम ने। और ये व्यू कैसा लगा आप लोगों को? क्या बोलते गाड़ी को, हाँ तो हाँ गोल्फ कार। ये देखो सामने होटल मरवारा एस्टेट, और अभी हम लोग जो है ना वो गोल्फ कार में है, ये टर्न ले रहा है, ये लोग पीछे बैठे हुए हैं। देख रहे हो
नहीं, इस तरह का नहीं, लेकिन इस तरह बहुत बड़ा एस्टेट है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत ही। हाँ पूरा हॉल है, देखो शादी आदि के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना भाई। अजमेर में मैंने कभी सोची नहीं थी, देखो वो नहीं, शीश महल है, शीश महल लिखा हुआ है। ये है हमारी प्रॉपर्टी जहाँ हम रुके हुए हैं, ये है नीचे लेक की एंट्री है, यहाँ से लेक और पार्क की एंट्री है। हाँ ये लोग ऊपर जाके खड़े हो गए, जाके ये मस्ती कर सकते हैं। क्या करेंगे और क्या, तुम लोग का स्टेज परफॉर्मेंस है। हां चलो ये अपना स्टेज परफॉर्मेंस, वेलकम बैक कर दो, थैंक यू। Okay, जरा अंदर चल के शीश महल है क्या, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। लेकिन ये कुछ रहा होगा इनके जमाने का, कुछ तो रहा होगा ना, अच्छा लगेगा। जल्दी जाके वहाँ पर झूले पे जाओ हिबा दादी, तभी सुनो ना अपन अपनी 25th एनिवर्सरी यहीं करें। हाँ इंशाल्लाह। हाँ तो मस्त है ना। हाँ हाँ तो अकेले अकेले नहीं आएंगे ना, पूरे खानदान को बुलाएंगे अपन, अपनी तरफ से स्टे रहेगा। मतलब तो ये शीश महल जो है ना फिलहाल प्रेजेंट में सिर्फ शादियों के लिए क्या बोलते हैं बैंकवेट जैसा इन्होंने बना के रखा हुआ है। लाइट्स अभी इनसे चालू नहीं हो रही, इसलिए लेट इट गो, मैंने आप लोगों को इतना एक व्यू दिखा दिया। उन्होंने बहुत अपनी इनिशिएटिव लिए कि वो हम लोग अच्छे से अच्छे दिखा सके, लाइट ऑन कर सके, ओपन कर सके। हादी बहुत लोगों को पता ही है कि हेरिटेज प्रॉपर्टीज आजकल जो है ना वो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ही चलती है। तो अभी सदफ ने मुझे बोल दी है कि 25th एनिवर्सरी यहाँ आना है, इंशाल्लाह। यू नेवर नो कहाँ हो आप, अगर अल्लाह ने चाहा तो यहाँ होगा, अल्लाह ने चाहा तो कहीं और होगा, लेकिन होगा जरूर इंशाल्लाह, साथ में तेरा मेरा साथ रहे। दुआ करना गाइस, कमेंट करना गाइस, लेट्स सी कब तक इनके दिमाग नहीं फिरता है। तुम लोग फिर से आ गए हैं बाहर और अभी हम लोग जा रहे हैं प्रॉपर एंट्री करने जा रहे हैं। आई लव यू डैडू। क्यों लव यू टू बेटू? क्योंकि डैडा ने ये होटल बुक किया, खर्चा करा दी मैंने, बहुत बड़ा खर्चा करा दी। अल्लाह ऐसी ही ख्वाहिशें पूरी करते रहे मेरे बच्चों की, मेरे घर वालों की, मेरे जरिए ही सही। बहुत अच्छा व्यू, बहुत बहुत अच्छा व्यू है। आई एम रियली रियली एंजॉयिंग दिस व्यू। तुम्हें कर पुनी इसे इंटर किए थे, होटल टिकट लेके देखो ना।
वही जगह है जहाँ पर हम लोग एकदम जद्दोजहद करके सदम ने है ना हम लोग के लिए टिकट लाई दी है, वही जगह है ये। मैं अजमेर बहुत बार आई हूँ लेकिन सबसे ज्यादा मैंने आज एंजॉय की। की एंजॉय करी? हाँ हाँ मैं मिला वो मैडम। हाँ मैं अपने खानदान से मिला। हाँ ये जो लिखा है ना द मेकअप, ये मेरी दादी को मेकअप करके दिया करती थी। बाजू में मेरी दादी है, देखो ये मेरी दादी है और ये उनकी मेकअप आर्टिस्ट है ये। हाँ हाँ देखो दादी और बहू साथ में खड़े हैं। दुआ ले लो, आशीर्वाद ले लो, ब्लेसिंग्स ले लो। सलाम कर दो दादी को, सलाम कर दो। तो बाकी खानदान से मिला दूँ, ये मेरे ताऊ जी है, पप्पा जी। देखो ये है यहाँ के ओनर थे, इनसे हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी बहुत खड़ूस थे लेकिन हमने 1-2 रुपए में डील फिनिश करके डील कर लिया है ना सर। और ये आगे दिखा रहा। हाँ अरे ये हमारी ऑडी BMW है, पुराने जमाने की। आजकल बच्चे लोगों को नहीं मालूम उसके बारे में। इस पे सवारी क्या करते थे हमारे खानदान में जो पीढ़ी जितने पहले। अच्छा और ये कौन है तुम्हारी? हाँ इसके बारे में नहीं बता सकता, फैमिली शो है ना ये। पूल व्यू हो गया, बाहर बाहर का सब हो गया। हाँ अंदर का दिखा दो, अंदर का। कार की चाबी कहाँ है? लॉक करो। होम टूर आसान काम नहीं है ना, होटल टूर आसान काम नहीं है। तो ये अंदर एंट्री करते साथ ही लेफ्ट में रिसेप्शन है और ऊपर जो है हमारा रूम है। ये सामने क्या है कुलदीप भाई? वेलकम हॉल है ये। और ये राइट में देखो, हमारे राइट में हमारी मिसेस बैठी हुई है, हमारी वाइफ बैठी हुई है, हमारी लड़की बैठी हुई है। और एक ये छोटा सा वेलकम हॉल है। राजकुमार और ये है हमारी राजकुमारी हिबा मुनी। आओ महल दिखाया जाए लोगों को। हमको उन्हें राजकुमार दो, राजकुमारी दो, मैं तो महाराजा हूँ। हमारा सभा का टाइम खत्म हो गया है, इसको बंद कर दो। सुना कम? हाँ राजा खत्म हो गया। हाँ अभी राजा खत्म, नॉर्मल हो गया अभी। चले आओ। हाँ घर में पसीना, बहुत पसीना हो गया पूरा। मोबाइल में लगी हुई ना इसलिए। ले लिया का जरा पे। तो ये एंटर करते साथ ही ये हमारा रूम है। यहाँ पर रूम तुम आपका, आ जाओ। तो ये कुछ लोग और हैं हमारे साथ में रूम में रुके हुए। पहले आप लोग ऊपर थे, हम लोग नीचे थे, अभी उल्टा हो गया। खबर नहीं है तो साफ कराने के बोला हूँ। बस सभी को जोश आया है अभी। नहीं नहीं बच्चे को सेट कर देना भाई, 2 मिनट अभी मारो ठीक है, रेडी करो। कंप्लीट बॉलर जो वो एक पार्टी का होगा, हाफ स्ट्रिप वाला एक बार पार्टी का होगा, ऑपोजिट पार्टी का, और जो ब्लैक अगर पहले निकाल दिया डायरेक्ट वो विनर। ओहो एक नंबर। चलो तो फिर रूम टूर करते हैं।